कारपूलिंग मोबाइल ऐप ब्ला ब्ला पर परिवहन और पुलिस विभाग ने शिकंजा कसा है। कारपूलिंग के नाम पर निजी वाहनों द्वारा सवारियां ढोने से परेशान मंडी शहर के टैक्सी चालकों ने इसकी शिकायत आरटीओ ऑफिस मंडी में की थी। मंगलवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए नाका लगाकर 3 निजी वाहन चालकों को बिना परमिट सवारियां ढोते हुए पकड़ लिया। ये गाड़ियां कारपूलिंग के नाम पर कुछ लोगों को बतौर सवारी ले जा रही थी। इन तीनों के चालान काटे गए और इनसे 25,000 का जुर्माना लगाया गया। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि सीजन के समय भी उन्हें सवारियां नहीं मिल रही, जबकि निजी वाहन चालक अवैध सवारियां बैठाकर चांदी कूट रहे हैं। टैक्सी चालकों ने सरकार और विभाग से गुहार लगाई है कि निजी वाहनों में कारपूलिंग के नाम पर सवारियां ढोने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, क्योंकि ये लोग अब बस से भी कम किराए पर सवारियां ढो रहे हैं। हमने उसको पूछा, जो लड़का गाड़ी में बैठ रहा था, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बोला मैंने राइड बुक की हुई है। हमने लड़के ड्राइवर को पूछा, वो बोल रहा है मेरे को अपना काम है, पीएससी है, मैं तब जा रहा हूँ। अब पीएससी है तो उससे तो हमें लेना देना नहीं है, वो अपना खर्चा निकाल रहा है, जो भी है उससे हमारा लेना देना नहीं है। अब हमारा भी इसमें काम में जो है बिल्कुल बंद है, हमें 1.5-2 महीने हो गए, हमारा कोई काम नहीं चला हुआ है। आजकल सीजन पड़ा हुआ है तो इसमें तो काम चलना चाहिए, अभी नहीं काम चला हुआ है ब्ला वालों का, तो हमने कहाँ जाना। बनाई जाए आरटीओ के माध्यम से और इन्हें रोकने का काम किया जाए, ताकि बेरोजगार टैक्सी वालों को कुछ काम मिले, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये जो ब्ला ब्ला है ये पूरे ऑल ओवर हिमाचल में ऐसे कार्य कर रही है कि प्राइवेट, टोटल प्राइवेट गाड़ी है और ये यहाँ से सवारी लेकर के जाते हैं, नीचे से सवारी लेकर के आते हैं। इन्हीं गाड़ियों में जो है ये जो चीटा और भांग का कार्य हो रहा है तो इसी के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि ऐसा है कि 4,000 रुपये खर्चा गाड़ी का आ रहा है, वो गाड़ी 5,000 में जा रही है आ रही है, तो 1,000 के पीछे कोई काम नहीं करता है। कोई ब्ला ब्ला एप्लीकेशन है कोई, उसके थ्रू जो वो कुछ गाड़ियां वाले जो ये काम कर रहे हैं इलीगल अप्लाई कर रहे हैं, जबकि इनके पास ऐसा कोई भी सरकार ने ना इनको लाइसेंस दिया है ना परमिट दिया है ये सारा, और इसमें ना तो ये इनके परमिट कुछ भी नहीं है, और सरकार के टैक्स की चोरी भी है जो ये बहुत ही गलत है, और जो उठा रहे हैं वो भी मतलब उनकी भी रिस्क है कि कल को अगर कोई एक्सीडेंट होता है, उन्हीं की होती है तो उसको क्लेम भी नहीं देगा कोई, तो कि वही गाड़ी में सफ़र करें जिसके पास वैलिड परमिट हो, इंश्योरेंस हो, लाइसेंस हो, वैलिड डॉक्यूमेंट हो, टैक्सी हायर करें।